प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वर्चुअल तरीके से शिरकत की है। इससे पहले साल 1948 के सालाना दीक्षांत समारोह में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे और उन्होंने भारत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने और सांप्रदायिकता के जहर से बचने के बारे में भाषण दिया था। इसके बाद 1964 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने भाषण में सांप्रदायिकता से दूर रहने का पैगाम दिया था। एएमयू देश की प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। हम आपको बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों और कैसे हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, जिसमें अब 250 से ज्यादा कोर्स पढ़ाए जाते हैं। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में जन्मे सैयद अहमद खान का 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में निधन हुआ था। सर सैयद ने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। इसके अलावा वो एक अच्छे पत्रकार, इतिहासकार और राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाने वाली कई संस्थाओं के संस्थापक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उन्होंने कई संस्थाओं की शुरुआत की। सर सैयद की प्रेरणा से ही अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें शिक्षा, सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरूकता जैसे अहम काम शामिल थे। सर सैयद ने हर चीज से पहले तालीम यानी शिक्षा को जरूरी बताया। महात्मा गांधी ने उन्हें शिक्षा के पैगंबर की उपाधि दी थी। लाला लाजपत राय ने सर सैयद के बारे में कहा कि बचपन से मुझे सर सैयद का और उनकी बातों का सम्मान करना सिखाया गया था। वो 19वीं सदी के किसी पैगंबर से कम नहीं है। वो 19वीं सदी के किसी पैगंबर से कम नहीं थे। 1857 में पहले स्वाधीनता संग्राम की नाकामी के बाद तमाम भारतीय और खास तौर से मुसलमान मानसिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर चले गए थे। इसके बाद सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने पहले स्वाधीनता संग्राम की विफलता और उसके कारणों को बताया और फिर मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाई। 1869-70 में सर सैयद बनारस में बतौर सिविल जज पोस्टेड थे। अक्सर उनका लंदन आना जाना रहता था। लंदन में उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी देखी थी। वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने सोचा एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाए। सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत और जरूरत को देखते हुए साल 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। 1921 में भारत की संसद में एक अधिनियम पास करके ब्रिटिश हुकूमत ने एएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तर्ज पर ब्रिटिश राज में बना भारत का ये पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन समेत देश के कई बड़े नेता और विद्वान इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। एएमयू में दुनिया के कोने कोने से छात्र दाखिला लेते हैं। खास तौर से अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र यहाँ खूब आते हैं। साल 1951 में संसद ने एएमयू संशोधन एक्ट पारित किया, जिसके बाद इस संस्थान के दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए भी खोल दिए गए। एएमयू से जुड़े विद्वान बताते हैं कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ। 1881 में यहाँ 4 लड़कों ने पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। उनमें से 3 फेल हुए और ईश्वरी प्रसाद पहले स्टूडेंट बने जो ग्रेजुएशन में यहाँ से पास हुए थे। बाद में उन्होंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और आगे चलकर वो मशहूर इतिहासकार बने। इस संस्थान को खड़ा करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जी तोड़ मेहनत की थी। उन्होंने हर छोटे बड़े आदमी से जिस तक भी वो पहुंच सकते थे चंदा इकट्ठा किया और जिसने जो दिया सर सैयद ने वो कबूल किया। कहते हैं कि चंदा लेने के लिए सर सैयद तवायफों के कोठों पर भी पहुंच गए थे। जब इसकी जानकारी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मिली तो लोगों ने इस पर एतराज जताया कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तवायफों का पैसा कैसे लगाया जा सकता है। इसके बाद सर सैयद ने कहा कि इस पैसे से टॉयलेट बनाए जाएंगे और फिर ये मामला शांत हुआ। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सर सैयद ने सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट तैयार किया। किसी ने 25 रुपए का चंदा दिया तो उसके नाम पर बाउंड्री वॉल बना दी। किसी ने 250 रुपए का चंदा दिया तो उसके नाम पर हॉस्टल या क्लासरूम का नाम रख दिया गया। 500 रुपए देने वाले लोगों के नाम सेंट्रल हॉल में लिखने का फैसला हुआ। उस दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया
और एक लंबे अरसे के बाद साल 1920 में सर सैयद की सोच से पनपा ये संस्थान यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने साल 1951 में एएमयू के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया था। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।